बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हाफिज़ बर्ड फार्म में खुशामदीद। वतईज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आगे बढ़ माशाल्लाह फिट फाट होंगे। जी आज हमें एक छोटे से गेट टुगेदर पे स्पेशली इनवाइट किया है हमारे बड़े ही प्यारे भाई हैं सलमान भाई, जो आप जानते हैं माशाल्लाह किंग ऑफ अल्बाइनो रेड ही है। उनके साथ अदनान भाई हैं माशाल्लाह, साजिद भाई हैं, जिन्होंने ये एक छोटा सा जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया है। माशाल्लाह उन्होंने एक छोटी सी काविश की है जिसके अंदर उन्होंने न्यू फैंसियर्स जो हैं जिन्हें अभी इस हॉबी के अंदर आए हुए सिर्फ 6 मंथ हुए हैं या 1 ईयर हुआ है या 2 ईयर हुआ है, उनको बुलाया है माशाल्लाह। उनकी गाइडेंस के लिए उन्होंने एक छोटा सा गेट टुगेदर करवाया है। चले आएँ आपको अपने जो फैंसियर्स हैं उनकी तरफ लेके चलते हैं और उनका गेट टुगेदर दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी, आप कैसे हैं? और सब खैरियत से हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा तो सलमान भाई माशाल्लाह अवामी एवरी ने आज माशाल्लाह अवाम की ठिकारी ली है। जी बस छोटी सी काविश थी कि न्यू फैंसियर को, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि न्यू फैंसियर को आगे लेके आना है। और सर छोटा सा तारीफ करवाइएगा अपनी टीम का। ये जी मेरे साथ मेरे राइट साइड पे थे साजिद भाई और लेफ्ट साइड पे थे अदनान भाई। इन दोनों भाइयों की वजह से मैंने ये सारा काम किया है जी, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही सारा काम खैर वाफ़ी से सब ठीक हो गया है। ज़बरदस्त। अच्छा तो सलमान भाई आपका मोटिव क्या था? मेरा मोटिव सलमान भाई सिर्फ ये था कि मैं न्यू फैंसर को आगे लेके आऊँ। आप देखें जो न्यू फैंसर मैं आगे लेके आया हूँ ना, वो अभी तक किसी गेट टुगेदर में नहीं गए। बिल्कुल। और मेरी कोशिश भी यही थी कि न्यू फैंसर को आगे लेके आऊँ। जैसे आप ये देख सकते थे, ये इशफाक साहब हैं, ये अभी फर्स्ट ये इन्होंने शौक शुरू किया है, बिल्कुल न्यू फैंसर, अभी तक ये किसी गेट टुगेदर में नहीं गए और किसी भी फंक्शन में नहीं गए। ऐसे ही मैं सब लड़कों को मैंने इकट्ठा किया है और ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूँ कि न्यू फैंसर को मैंने आगे लेके आना है। ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह जी सब भाई मेरे एक बुलाने पे सब भाई आए भी हैं, मैं इनका शुक्र गुजार हूँ कि वो आए और शुक्र मेरी पार्टी में शिरकत की मेरी पार्टी में। माशाल्लाह सलमान भाई ये बड़ी अच्छी काविश है कि माशाल्लाह आपकी टीम ने फैसलाबाद के अंदर न्यू फैंसर के लिए जो एक काविश की है वो बड़ी ज़बरदस्त की है। माशाल्लाह आप अल्बाइनो रेड ही जैसे एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह ब्रीड करवाने में, वो तो लाजमी तौर पे आप उनको वो राज वाली बातें सारी बताएंगे आज के कैसे सर्वाइव करवाना है। जी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अच्छा तो सलमान भाई थोड़ा सा इसके बारे में और बताएं कि आज का जो आपके मौजूआत हैं वो क्या क्या हैं? मौजूआ सलमान भाई यही था कि मीटिंग रखने का, कि सीज़न शुरू हो रहा है, सीज़न शुरू होने के साथ साथ ही हम लोगों को बताएँ कि बर्ड की कैसे ब्रीड के बॉक्स लगेंगे, क्या इसका फार्मूले होंगे, क्योंकि अभी सीज़न शुरू है। न्यू फैंसर को यही मुश्किल दरपेश होती हैं कि वो ब्रीडिंग बॉक्स कैसे शुरू करें, सीज़न कैसे शुरू करें। समझे कि सीज़न शुरू में ही हमने ये मीटिंग इसलिए रखी है कि बर्ड का मतलब समझ लग जाए इन्हें, बर्ड की ना कि सीज़न की ब्रीड के मतलब समझ लगे इन्हें, मतलब उसकी कीपिंग के बारे में जो मसाइल है, उसकी हाउसिंग के बारे में मसाइल है या जो ब्रीड के बारे में मसाइल है जी, वो सारे डिस्कशन जी बिल्कुल उसके बारे में ही जी। ज़बरदस्त जी। दनान भाई जैसा कि माशाल्लाह आपको बिग बर्ड लवर हैं, तो आपको ये कैसे आया कि लव बर्ड के ऊपर आप भी खुद भी कन्वर्ट हों और जो लव बर्ड के लिए काम किया जाए, जैसे आपने आज एक छोटी सी काविश की है उसके बारे में बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां अदनान मियां बर्ड एवरी से। मान भाई बिग बर्ड लवर भी हैं, हम ऑल बर्ड लवर हैं, आपको पता है। आइंदा भी सब दोस्तों से हाल है बात पूछा जाए बर्ड से रिलेटेड। जी जी, तो ये उनके किस तरह करके प्रोडक्शन है, क्या क्या लगा ये जल्दी इसलिए हमने रखा था कि आपस में दूसरे से खेल वापस हो जाए। जैसे ये मुबशर भाई ये लसानी हार्डवेयर वाले हैं, ये लाल भाई हैं, हमें दूसरे से पता लग जाए तो ग्रुप में तो पिक नहीं, हम दूसरे से खेल करते। ये जल्दी हमारे रखने का मकसद सिर्फ यही था कि हम आपस में फेस टू फेस उसे जान सकें। ठीक है जी, एग्री है आप सब? नेक्स्ट बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ देने का, अदनान भाई का, साजिद भाई का, मेरा साथ देने का आपका बहुत शुक्रिया।